मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, मनुष्य जीवन में मन और वाणी ये दो अद्भुत शक्तियां हैं। मनुष्य के अतिरिक्त प्राणियों के पास ये दोनों शक्तियां बहुत कम हैं। पशुओं में भी पक्षियों में भी मन है, तभी अपने घोंसला को पहचान लेते हैं, अपने खूंटे जगह पहचान लेते हैं। पशु जिस घर के होते हैं उसी घर में जाते हैं, थोड़ा सा उनमें भी मन है, लेकिन मन का विकास नहीं है। किसी बात पर वे गहराई से सोच नहीं सकते, मनन नहीं कर सकते, विचार नहीं कर सकते। पशुओं के पास वाणी की शक्ति कुछ ध्वनि के रूप में है, संकेत। वर्णात्मक वाणी उनके पास नहीं है। जैसे आदमी अपने मन के भावों को, मन के विचारों को वाणी के द्वारा दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरे के भावों को, दूसरे के विचारों को उनकी वाणी के द्वारा सुनता है, ऐसी क्षमता, ऐसी शक्ति मानवेतर प्राणियों के पास नहीं है। मन और वाणी ये दो प्रकृति की ओर से मनुष्य के लिए बहुत बड़ा वरदान है, लेकिन इनका सदुपयोग न करके दुरुपयोग करने के कारण ये दोनों शक्तियां आदमी के लिए अभिशाप बन गई है। किसी पशु के सामने बैठकर आप चाहे उसकी जितनी भी प्रशंसा करो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और चाहे उसकी आप जितनी निंदा करो, किसी बैल, घोड़ा, गधा, ऊंट, हाथी, सुअर, खच्चर या अन्य और किसी जानवर की आप चाहे जितनी निंदा करो, उसे चाहे खूब गाली दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कि वो समझता ही नहीं है। आदमी शब्दों को समझता है, थोड़े से अनुकूल शब्द सुनता है, एकदम हर्षित हो जाता है। प्रथमता सुनते सुनते अहंकार भी आदमी को चढ़ बैठता है, लेकिन थोड़े से प्रतिकूल शब्द सुन लिया, प्रतिकूल बात सुन लिया, अपनी निंदा जिसे कहते हैं उसकी बात सुन लिया, एकदम दुखी हो जाता, हताश हो जाता है। और आदमी आदमी के बीच बहुत सारे लड़ाई झगड़े केवल बात वाणी के कारण चल रहे हैं। बहुत सारे मुकदमे ऐसे हैं जो शब्दों का उचित प्रयोग न करने के कारण चलते हैं। लेकिन यदि आदमी शब्दों को संभाल ले और संभाल करके शब्द बोले, तो खुद तो प्रसन्न रहेगा, उसका मन शांत रहेगा, स्थिर रहेगा, साथ साथ दूसरों को भी प्रसन्नता मिलेगी, दूसरों को जलता हुआ मन शीतल हो जाएगा। इसलिए सद्गुरु कबीर ने कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। अपने मन के अहंकार को मिटाकर ऐसी बात बोलो जिससे अपना भी मन शीतल हो और सुनने वाले का भी मन शीतल हो। है ये बहुत साधारण सी बात। आप कहेंगे साहब, सत्संग में तो ऊंची ऊंची बात बतानी चाहिए थी, ज्ञान की बड़ी बड़ी बात, आप बहुत साधारण बात बता रहे हैं। लेकिन ये साधारण बात को ही संभालना, इसका आसन करना बड़ा कठिन है। सात मोह में झगड़े क्यों होते हैं?
ननद भावज में झगड़े क्यों होते हैं, ईर्षा द्वेष मनमुटाव क्यों होते हैं, भाई भाई में, पिता पुत्र में, पड़ोसी पड़ोसी में मनमुटाव क्यों है, राग द्वेष क्यों है। उन्होंने मुझे ऐसा कहा, क्या मैं, उन्होंने मेरी इतनी ही कीमत समझी, क्या मेरी इतनी ही कीमत है, कौन होता है वह मुझे ऐसा कहने वाले। बस थोड़े से प्रतिकूल शब्द सुन करके आदमी का अहंकार में इतनी ठेस लगती है कि आदमी एकदम दुखी हो जाता है और जिंदगी भर के लिए गांठ बांध लेता है। लेकिन ये समझ ले, जितनी गांठ मन में पड़ती जाएगी उतनी चुभती जाएगी, उतनी पीड़ा मिलती जाएगी। किसी की निंदा मत करो, अपनी निंदा कोई कर रहा हो तो सुन करके शांत रहो, सुख से जीने का एक तरीका है। आप अच्छे आदमी हैं, सद्गुणी हैं, सदाचारी हैं, परोपकारी हैं, धर्मात्मा हैं, भक्त हैं, सत्संगी हैं, साधु हैं, महात्मा हैं, गुरु हैं, लेकिन सबके सब लोग आपके अनुकूल ही बात कहेंगे, आपकी प्रशंसा ही करेंगे, ऐसा नहीं है। कितना आप दूध के धोए बन जाएं, कोई ना कोई आपकी बुराई करने वाला, निंदा करने वाला मिलेगा ही मिलेगा। सबसे अपने मन के अनुकूल बात, अपनी प्रशंसा की बात नहीं कहवाई जा सकती। हमारा कर्तव्य यह होता है कि हम सबकी प्रशंसा करें, सबके सद्गुणों की चर्चा करें। हम प्रशंसा करते हैं, सद्गुण की चर्चा करते हैं, तो उससे हमारे भाव, हमारे विचार, हमारे संस्कार अच्छे बनेंगे और हमारा मन हर समय प्रसन्न रहेगा। और यदि हम निंदा करते हैं, पहली बात तो यह, जब हमारा मन गलत होता है, जब हम गलत हो जाते हैं, तब हम दूसरे की निंदा करते हैं। गलत हुए बिना कोई किसी की निंदा नहीं कर सकता है। किसी को कह दो कि तुम गलत हो, तुम्हारे विचार गलत हैं, लाठी लेकर खड़ा हो जाएगा, तुमने मुझे गलत कैसे कह दिया, मेरे विचार तुमने गलत कैसे कह दिया, मैं इतना बड़ा विद्वान, इतना बुद्धिमान, इतना ज्ञानी, इतना पढ़ा लिखा, इतना समझदार, और तुम मुझे गलत कहते हो। आदमी मारने को उतारू हो जाएगा। अब ये समझ नहीं पा रहा है आदमी कि यदि किसी से अपने प्रतिकूल बात सुनकर, यदि किसी ने कह दिया तुम गलत आदमी हो, और इसको सुनकर के हम क्रुद्ध हो गए, तो सिद्ध कर दिया हमने कि हम सचमुच गलत हैं। गलत नहीं होते तो हम क्रोध करते ही नहीं, हमारे भीतर आग नहीं होती तो चिंगारी निकलती कैसे, हमारे भीतर गलती होती नहीं तो क्रोध उभरता कैसे। दबा हुआ था हमारा क्रोध, दबी हुई थी हमारे भीतर की आग, और किसी ने कह दिया तुम गलत हो, जैसे दिया फ्लाई घिसती है वैसे घिसी और हमारी आग प्रकट हो गई। अपनी इस आग को बुझाने की जरूरत है, अपने इस अहंकार को समित करने की जरूरत है। और यदि हमारे भीतर क्रोध नहीं होता, हम गलत नहीं होते, तो कोई हमें गलत ही नहीं खूब गाली दे दे तो भी हम शांत रह सकते थे। तथागत बुद्ध, महात्मा बुद्ध, आप लोगों ने नाम सुना है। उदाहरण तो बड़े लोगों का दिया जाता है, अब एक से एक दुनिया में होते हैं, समान लोगों में भी ऐसे होते हैं। एक बार तथागत बुद्ध अपने संतों के साथ कहीं जा रहे थे, एक गांव से होकर गुजरना था। गांव के लोगों ने सुना कि तथागत बुद्ध इसी रास्ते से गुजर रहे हैं, वहां कुछ उनके विरोधी लोग रहते थे,
यद्यपि तथागत बुद्ध ने कोई गलत काम नहीं किया था, लेकिन उनके सदुपदेश से, उनके सत्य के प्रचार से तथागत बुद्ध के सत्य के प्रचार से कुछ लोग शुद्ध हो गए थे और वो लोग सोचते थे कि इनका ऐसे ही सत्य का प्रचार चलता रहेगा तो हमारा अंधविश्वास खत्म हो जाएगा, हमें कोई पूछेगा नहीं, इसलिए वे लोग अपनी ओर से उनसे बैर मान लिए थे। तो वो लोग जब सुने कि तथागत बुद्ध हमारे गांव के ओर गांव के पास होकर गुजर रहे हैं तो कई लोग दल बना करके आए, रास्ते में खड़े हो गए और जैसे ही तथागत बुद्ध वहां पहुंचे उन लोगों ने खूब गाली देना, अपशब्द कहना, अपमान करना शुरू कर दिया। उनकी बात सुनकर, निंदा अपमान गाली की बात सुनकर तथागत बुद्ध खड़े हो गए, चुपचाप सुनते रहे। और जब वो लोग काफी देर तक अपशब्द और निंदा की बात कहते रहे, गाली भी देते रहे, लेकिन तथागत बुद्ध शांत रहे, कोई उत्तर नहीं दिए, तो उन वे लोग शांत हो गए। कोई अपनी ओर से एक तरफ से गाली कब तक देगा? आप किसी को गाली दे या कोई आपको गाली दे और आप चुपचाप रह जाए, गाली का उत्तर गाली में न दे, शांत रहें, तो दूसरे वाला सामने वाला आदमी भी एक दो मिनट में शांत हो जाएगा। और किसी ने आपको गाली दी और गाली सुनकर आपने भी गाली दी, आप गाली सुनकर वो फिर गाली देगा तो फिर आप गाली देंगे तो ये कहां तक चलेगा? सदगुरु कबीर ने कहा है, आवत गाली एक है पलटत होय अनेक, कहे कबीर ना पलटिए वही एक की एक। गाली को जब हमारी गाली से सहारा मिलता है तब वो आगे बढ़ती है, क्रोध को क्रोध का सहारा मिलता है तब वो आगे बढ़ता है। कितनी प्रबल आग हो, ईंधन न मिले तो थोड़ी देर में वह आग शांत हो जाएगी और ईंधन मिलता रहेगा तो जलती ही रहेगी। तो तथागत बुद्ध जब शांत हो गए, शांत रहे तो वो लोग भी चुप हो गए। तो उनमें से एक ने कहा कि हम लोग आपको इतनी इतनी भद्दी भद्दी गालियां दिए, आपका अपमान किए, तिरस्कार किए, आपको गुस्सा नहीं आया? तो तथागत बुद्ध ने कहा, आप लोग अपमान करने में थोड़ी देर कर दिए हैं, गुस्सा तो मुझे भी आता, लेकिन आप लोग अपमान करने में थोड़ा देर कर दिए। यदि आप 15 साल पहले आए होते तो मुझे गुस्सा आ गया होता, लेकिन आप लोग थोड़ा देर करके आ रहे हो, अब इसलिए अब गुस्सा किस बात का आप लोगों के? अब फिर उन दरार बुद्ध ने कहा, आप लोगों का तो मैं आभारी हूं, आप लोगों को मुझे धन्यवाद देना चाहिए। उन्होंने कहा, लोगों को बड़ा आश्चर्य लगा, गुस्सा तो किया नहीं, फिर कहते हैं आप लोगों को मुझे धन्यवाद देना चाहिए। तो उन्होंने कहा, भगवान बताइए कैसे आप धन्यवाद दें? उन्होंने कहा, देखिए इतना कीमती समय होता है और इतना कीमती समय क्या आप लोगों ने घंटा भर मेरा इंतजार किया, घंटा भर तक गाली दिया, इतनी कीमती समय मेरे लिए आप लोग निकाले, ये कम बड़ी बात है, आप लोगों को मुझे धन्यवाद देना चाहिए। उनकी इतनी बात सुनकर वे सब के सब उनके जो विरोधी थे उनके ही चरणों में आकर के गिर गए और क्षमा मांगे। तो थोड़ा तो मैंने अपनी बात शुरू की थी, हमारे पास दो शक्ति है, मन की शक्ति और वाणी की शक्ति। मानवेतर प्राणियों के पास ये दोनों शक्तियां नहीं है। मानवेतर प्राणी इंद्रिय प्रधान होते हैं, शरीर प्रधान होते हैं, मनुष्य मन प्रधान होता है। देखें
चींटी की घ्राण शक्ति, सूंघने की शक्ति जितनी तेज है, आदमी की सूंघने शक्ति उतनी तेज कहाँ है। एक बूंद घी कहीं गिर जाता है, एक दाना चीनी कहीं गिर जाती है, चींटियों की लाइन लग जाती, सूंघ लेती, पता नहीं कहाँ से। बड़ी प्रबल होती है सूंघने की शक्ति, देखने की शक्ति चील की बड़ी प्रबल होती है, कबूतर की भी प्रबल होती है। चील आकाश में बहुत ऊपर ऊंचाई पर उड़ती है, लेकिन जमीन पर कहीं मुर्दा पड़ा होता है वहीं से देख लेती है। कहते हैं, अनुभव तो मेरा नहीं है, मैंने प्रयोग करके देखा नहीं, लेकिन सुना है, पढ़ा है, कबूतर छत पर बैठा हुआ हो और नीचे जमीन पर सरसों का दाना पड़ा हुआ तो कबूतर देख लेता है, उसकी दृष्टि इतनी सूक्ष्म होती है। आदमी की दृष्टि इतनी सूक्ष्म कहां, इतनी दूर तक कहां देख सकता है। घोड़ा जैसा तेज दौड़ सकता है, आदमी उतना तेज कहां दौड़ सकता है। गधा, खच्चर, ऊंट, हाथी जैसा बोझा ढो सकता है, आदमी वैसा बोझा कहां ढो सकता है। शरीर की दृष्टि से देखें तो हाथी कितना बड़ा जानवर, एक आदमी 10-12-15, एक हाथी 10-12-15 आदमियों के बराबर होता है। और मछलियां, समुद्री मछलियां तो 100-200-400 आदमी के बराबर होती है। 50 फीट 70 फीट 80 फीट 90 फीट की मछलियां होती है। बड़ौदा के म्यूजियम में व्हेल मछली का ढांचा रखा है। नदी में बाढ़ आई थी, समुद्र का ज्वार आया तो उसी साथ मछली चढ़ गई, लेकिन लौट नहीं पाई तो फंस गई, तो लोगों से मार डाला। उसका ढांचा बड़ौदा के म्यूजियम में है व्हेल मछली का। उस पर पूरा विवरण तो लिखा हुआ है कि इसमें कितने टन चर्बी निकली, कितने टन क्या क्या निकला, लेकिन खाली जो ढांचा है उस ढांचे की लंबाई है 72 फीट 2 इंच और ऊंचाई है 14 फीट। और वहां लिखा गया है कि ये मछली का बच्चा था, पूरी वो जवान मछली नहीं है। तो इतनी बड़ी मछली होती है। तो शरीर प्रधान होते हैं मानवेतर प्राणी, इंद्रिय प्रधान होते हैं आदमी, मन प्रधान होता है। ये ठीक है कि आदमी चील के समान दूर तक देख नहीं सकता, लेकिन आदमी ने मनन किया और मनन करके आदमी ने दूरबीन बनाया, करोड़ों किलोमीटर दूर तक देख सकता है दूरबीन के सहारे से आदमी। यह भी ठीक है कि आदमी घोड़ा के समान दौड़ नहीं सकता, लेकिन आदमी ने मनन किया, मनन करके यान बनाए, वाहन बनाए और कितनी तेजी से आदमी दौड़ता है। आदमी घोड़ा, गधा, खच्चर के समान बोझा नहीं ढो सकता, लेकिन आदमी ने मनन करके ट्रक बनाया, रेल बनाया और एक ड्राइवर करोड़ों हजारों लाखों टन सामान को लेकर के ढो रहा है। मछली के समान निराधार, मेढक समान निराधार आदमी पानी में तैर नहीं सकता, लेकिन आदमी ने मनन किया, मनन करके जल जहाज बनाया और लाखों लाखों टन को लेकर के आदमी जहाज में, समुद्र में महीनों महीनों यात्रा कर रहा है। ये मनन के कारण है। दुनिया में आज जो कुछ विकास दिखाई पड़ रहा है, विज्ञान इतनी ऊंचाई पर पहुंचा हुआ है, ये मनन के कारण है। मनन शक्ति न होती आदमी के पास तो विज्ञान का विकास न होता, आदमी भी जानवर जैसा जीवन जीता होता। लेकिन बाहर आदमी जितना मनन करता है भौतिक क्षेत्र में, उतना अपने जीवन के बारे में मनन नहीं करता। और यह भी ठीक है कि मानवेतर प्राणियों के पास मन की शक्ति नहीं है, मैं मनन नहीं कर सकते, लेकिन मानवेतर प्राणी पागल भी नहीं होते।
मन को संभालता नहीं है आदमी, मनन शक्ति जरूर है, सोचने को संभालता नहीं है, मनन को संभालता नहीं, इसलिए आदमी पागल होता है। और पागल ही नहीं होता है, जितना चिंतित आदमी है, जितना भयभीत आदमी है, जितना दुखी आदमी है, उतना कोई भी जानवर, कोई भी प्राणी चिंतित, भयभीत और दुखी नहीं है। सोचते सोचते आदमी इतना गलत ढंग से सोच लेता है, सकारात्मक चिंतन करना चाहिए, लेकिन आदमी नकारात्मक चिंतन में चला जाता है, और नकारात्मक चिंतन करते करते ऐसा सोच लेता है कि सब कुछ उपलब्ध होते हुए भी वह अधिकतम दुखी हो जाता है। काल्पनिक समस्या उत्पन्न कर लेता है आदमी। एक दुख होता है जो सामने है, प्रत्यक्ष आ गया है, और एक दुख होता है जो आया ही नहीं है। प्रत्यक्ष जो दुख आया हुआ है उससे आदमी उतना दुखी नहीं है, जितना दुखी आदमी उन दुखों से है जो दुख उसके सामने नहीं आया है। रोग लग जाएगा तो क्या होगा, अभी आदमी रोगी नहीं, शरीर स्वस्थ है, कि सोचता है कि रोग लग जाएगा तो क्या होगा, कौन सेवा करेगा। अब सोचने लग गया शरीर रोगी हो गया, मैं बूढ़ा हो गया हूं, पास में कोई नहीं है, खाट में पड़ा हुआ हूं, टट्टी हो जाएगी खाट में तो कितनी बदबू आएगी। अब सोचता एकदम दुखी हो गया, अब हुआ नहीं है कुछ भी, सोचता है अकाल पड़ जाएगा, नौकरी छूट जाएगी, निर्वाह धंधा खत्म हो जाएगा, तो जीवन गुजर कैसे होगा, बुढ़ापे में सेवा कौन करेगा, हो सकता है बूढ़ा होने पहले ही मर जाए, हो सकता है नौकरी ना छूटे, लेकिन दुखी। और फिर मेरे नहीं रहने पर परिवार का क्या हो जाए, ये चिंता। मैं हूं तब तक तो परिवार की व्यवस्था चल रही है, मैं हूं तब तक तो परिवार के लोग आराम से जी रहे हैं, खा पी रहे हैं, लेकिन मैं नहीं रहूंगा तब परिवार का क्या होगा। लोग सोचते हैं कि हम इतना कमा करके रख दें कि हमारे आने वाली 20-25 पीढ़ियां आराम से बैठ करके खाए। क्यों सोचता है आदमी, आदमी सोचता है शायद उसे विश्वास होगा मैं तो तंदुरुस्त आदमी हूं, मेरे हाथ है, पैर है, बुद्धि है, सब कुछ मेरे पास है, इसलिए मैं तो काम धाम कर रहा हूं, इसलिए मैं इतना कमा करके रख दूं कि मेरे बाद आने वाली जो मेरी पीढ़ियां हैं वो बैठे बैठे खाए। क्यों कि मेरे बाद जो आने वाली पीढ़ियां होगी उसके बाद मुख होगा, पेट होगा, हाथ पैर नहीं होंगे तो क्या कमाएंगे, कहती मुख होगा और पेट होगा तो खाएंगे जरूर, और हाथ पर हो गए कमाएंगे कहती, इसलिए जमा करके रख दो। लेकिन कितनी पीढ़ियों के लिए रखोगे, 20, 25, 30, 40, 50, फिर क्या करोगे आगे के लिए। व्यर्थ का दुख, न हुआ दुख आदमी भोगता रहता है, क्यों, गलत चिंतन के कारण। इस चिंतन को संभालने की जरूरत है, मेहनत करो और आमदनी के भीतर खर्च रखो, थोड़ी में गुजर करने की भावना रखो, सहज ढंग से जो बचता जाएगा वो बचता रहेगा। आने इतना विश्वास रखो आने वाली पीढ़ियों के पास भी बुद्धि होगी, इंद्रियां होंगी, हाथ पैर होंगे, और वे भी अपने खाने के लिए पैदा कर लेंगे, भूख लगेगी तो खुद हाथ पैर मारेंगे, क्यों चिंता करते हैं। आदमी चिंता करता है लेकिन अपने कल्याण की चिंता नहीं करते। मनुष्य जीवन मिला है, सुख से कैसे जिया जाए, प्रसन्नता का अनुभव कैसे किया जाए, आत्मकल्याण की प्राप्ति कैसे हो, इस बात पर विचार नहीं करता आदमी। इतना थोड़े हैं, सब कुछ उपलब्ध होते हुए भी सुख से जीने का तरीका आदमी जानता नहीं है। आदमी सोचता तो यह है खूब धन बढ़ जाएगा,
बड़ा परिवार हो जाएगा, बड़ी प्रसिद्धि हो जाएगी, बड़ी गद्दी मिल जाएगी, अधिकार मिल जाएगा, शासन मिल जाएगा, तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ठीक है, ये बिहार की चीजें हैं, कम ज्यादा ये सब आदमी को मिलते रहे हैं, लेकिन एक बात ख्याल रखें, ये सारे के सारे मिल गए लेकिन अपना कर्म ही गलत है, अपना भाग्य ही गलत है, प्रारब्ध में दुख भोगना बदा हुआ है, तो ये सब के सब मिलने के बाद भी दुख आ ही जाएगा, क्योंकि हमारा मन, गलत मन, गलत चिंतन दुख हमारे लिए पैदा कर लेंगे। सब कुछ मिला है, चिंतन सही नहीं है, संभाला नहीं, इतना हम मोहग्रस्त हो गए, इतना जगड़ गए हैं कि थोड़ी सी प्रतिकूलता सहन नहीं होती, आदमी तड़प तड़प करके हाय हाय करके मर जाता है। इसलिए धन की चिंता उतनी ना करें, पद परिवार प्रतिष्ठा चिंता ना करें, चिंता करें अच्छे कर्म की, अच्छी बुद्धि की, अच्छी समझ की, और मन जो जकड़ा हुआ है मोह माया में वहां से इसे निकाले। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो दुख तो मिलना ही मिलना है, कैसे मिलेगा? उदाहरण से सोचे, हम और आप जो चाहते हैं धन, अनुकूल पुत्र, अनुकूल परिवार, राज्य, शासन, स्वामित्व, अधिकार, और सोते हैं मिलने पर खुश, पर हम आनंदित हो जाएंगे। राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे, राज्य मिला था, शासन मिला था, अधिकार मिला था, बहुत सारे नौकर चाकर सेवक थे उनके पास, मुख से बात निकलते ही दर्जनों सेवक सामने उपस्थित हो जाते थे, और राजा के पास धन की कौन कमी, राजा है तो धन की कमी तो है नहीं, परिवार भी बड़ा, और पुत्र चार चार पुत्र, आदमी सोचता है महाराज क्या करें, हम कितने लोग कहते हैं महाराज हमारी तो कोई संतान नहीं है, बुढ़ापा में सेवा कौन करेगा। एक याद रखो, यदि आपके भाग्य में प्रारब्ध में सेवा पाना लिखा हुआ है, आपका प्रारब्ध भी अच्छा है, कोई संतान नहीं होगी, आप केवल निराधार रहेंगे तो भी सेवा देने वाले मिल जाएंगे, और प्रारब्ध ही खराब है तो एक नहीं 50 पुत्र भी हो जाएंगे ना, तो सब कहां कहां चले जाएंगे, आपको दुख भोगना ही पड़ेगा। तो राजा दशरथ के पास धन था, अधिकार था, गद्दी थी, चार चार पुत्र थे। अब जरा सोचो, सब कुछ तो था राजा दशरथ का, लेकिन भाग्य प्रारब्ध खराब था, हुआ क्या, अंतिम समय में राजा दशरथ तड़प तड़प करके मर गए, एक बेटा एक बूंद पानी नहीं डाल सका, डाला किसी ने, राम और लक्ष्मण चले गए जंगल, और भरत शत्रुघ्न है मामा के यहां, तड़प तड़प कर मर गए दशरथ, एक बेटा काम आया, राज्य क्या करेगा, धन क्या करेगा, अधिकार क्या करेगा, शासन स्वामित्व क्या करेगा, और बेटा ही क्या करेगा, जब प्रारब्ध ही खराब है, कर्म ही खराब है। कहते हैं भगवान स्वयं और बेटा बन करके दशरथ के यहां पैदा हुए था, जिसके यहां भगवान बेटा बन पैदा हो उसको सुख नहीं मिले तो आपको सुख कैसे मिल सकता है। लेकिन आदमी सोचता कहां इधर इस बात को है, कर्म हमारे सही कैसे हों, समझ सही कैसे हों, इस पर चिंतन नहीं करता। जरा सोचिए, राम और लक्ष्मण को वनवास दिया गया था, भरत और शत्रुघ्न मामा के यहां थे तो सदा के लिए मामा के यहां गए नहीं थे, आना ही था उन्हें। राम को 14 साल के लिए वनवास मिला था, राम के लिए शर्त जरूर थी कि राम 14 साल तक किसी गांव में किसी नगर में जा नहीं सकते, किसी का दिया हुआ खा नहीं सकते, जंगल में रहना है और स्वयं कमा करके खाना है, ये शर्त थी। ठीक है, लेकिन राजा दशरथ के तो प्रतिबंध नहीं था, जब चाहते तब रथ लेकर के राम से मिल आते, 2 महीना 4 महीना में, कौन प्रतिबंध था। लेकिन इतनी जकड़न, इतना मोह बना लिया कि एक दिन का भी वियोग
सहन नहीं हुआ उसी में उनका प्राणांत हो गया। ये दुख किसने पैदा किया? स्वयं उन्होंने पैदा किया, चिंतन गलत होने के कारण, मन को संभालने के, मन को न संभालने के कारण। इसलिए हमारे पास क्या क्या उपलब्ध है चिंता इसकी ज्यादा न करें। जैसी समझ है, जैसी योग्यता है, जैसी बुद्धि है, जैसा अवसर है, उस ढंग से परिश्रम करते चले। मेहनत से काम करने से जी न चुराए। जब जैसा अवसर हो पूरी ईमानदारी के साथ तत्परता पूर्वक मेहनत करें, और उस मेहनत से जो प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहते हुए, उसमें गुजर बसर करते हुए अपनी समझ को संतुलित रखें, और साथ साथ जीवन के कर्मों पर ध्यान दें कि हमसे कोई ऐसा गलत कर्म न होने पाए जिससे मेरे संस्कार खराब हो और दूसरों को पीड़ा मिले। हमारे कर्मों से हमें पीड़ा, यदि दूसरों को पीड़ा मिलती है तो समझ लें कि हमें वो पीड़ा लौट करके मिलेगी जरूर। दूसरों को पीड़ा देने वाला पीड़ा ही पाएगा, बच नहीं सकता। ये दुनिया का नियम है, कबीर कमाई आपने निष्फल कभी न जाए, वो या पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। बबूल का पेड़ बो करके आम खाने की आशा करना अपने को धोखा देना है। दूसरे को पीड़ा दे करके सुख पाने की इच्छा करना अपने को धोखा देना है। जितना हम दूसरों को दुख देते जाएंगे उतना हमारा दुख बढ़ता चला जाएगा। गणित का एक नियम होता है कि किसी चीज को जितना भाग दोगे वो चीज उतने घटती चली जाएगी और अंत में शून्य भी हो जाएगी। मेरे पास 100 रुपए हैं, मैंने सोचा कि 100 आदमी को एक एक रुपया मैं दे दूं, अब देना शुरू किया। 100 रुपये थे, एक एक रुपये 100 आदमी को दिया, मेरे पास क्या बचा? अब सहज कहेंगे कुछ नहीं बचेगा, 100 रुपये 100 आदमी बांट दिया, नतीजा भागफल शून्य आया। ये गणित का अपना नियम है, लेकिन यह नियम गणित में काम नहीं आएगा, यह नियम जीवन में काम नहीं आएगा। मेरे पास एक दुख है, थोड़ा दुख है, उस दुख को मैंने 10 आदमी को बांटा, मेरा दुख 10 गुना बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं। मैंने अपने दुख को 50 आदमी को बांटा, मेरा दुख 50 गुना बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं। जितने लोगों को दुख देते जाएंगे उसी मात्रा में मन दुखी होता चला जाएगा, संसार खराब होते चले जाएंगे। इसलिए जान बुझ कर कभी भी किसी को दुख न दे। सुख से जीने का तरीका यह है कि स्वयं दूसरों को सुख दे। सद्गुरु कबीर की एक पंक्ति याद आती है, एक भजन के बोल में उन्होंने शुरू में कहा है, कुछ लेना न देना मगन रहना। हर आदमी चाहता क्या है? मगन रहना चाहता है, प्रसन्न रहना चाहता है, सदैव आनंद से जीना चाहता है। लेकिन आनंद से जीने का रास्ता क्या है, प्रसन्नता से जीने का रास्ता क्या है, जानता नहीं है आदमी। वो सोचता है धन खूब बढ़ जाएगा तो बड़ा आनंद मिलेगा, विद्या बढ़ जाएगी, पद बढ़ जाएगा, बड़ा सम्मान हो जाएगा, आनंद मिलेगा, कोई कुछ नहीं मिलने वाला है। धन बढ़ जाएगा, सुविधा मिलेगी आपको, धन बढ़ जाएगा, कीमती गाड़ी खरीद सकते हैं, बहुत बड़ा कीमती मकान बना सकते हैं, कीमती कीमती अन्य वस्तुएं खरीद सकते हैं, मतलब सुविधा की अधिक अधिक वस्तुएं बटोर सकते हैं। लेकिन धन मिलेगा तो सुख भी मिल जाएगा? ऐसा नहीं। धन बढ़ने से सुख मिलता तो दुनिया के सारे धनवान सुखी हो गए होते। पुरानी बात है, दिल्ली के पास गुरुदेव जी का कार्यक्रम था। गुरुदेव जी अपने निवास में बैठे थे, थोड़ा सा आपका रखा भजन। एक दंपत्ति मिलने आए, पति पत्नी, दोनों की उम्र यही 65 के 60-65 के आसपास रही होगी।
दोनों ने प्रणाम किया और प्रणाम करके दोनों बैठने लगे, पूरा बैठ नहीं पाए थे। दोनों पति पत्नी के मुख से एक ही आवाज निकली एक साथ कि महाराज इतना लंबा जीवन बीत गया लेकिन आज तक सुख नहीं मिला। गुरुजी ने कहा बैठो बैठो, बैठाए। फिर तब गुरुजी ने कहा तुम तो करोड़पति आदमी हो, दोनों जो पति पत्नी गए थे वो करोड़पति आदमी से बड़े बड़े सेठ। गुरुजी ने कहा तुम तो करोड़पति आदमी हो, ऐसा करो 10-20 लाख रुपया ले लो और रहते हो दिल्ली के पास में ही, चले जाओ दिल्ली और दिल्ली के सबसे बड़े बाजार में जाना और जाकर दुकानदार से कहना भैया ये 10 लाख रुपया ले लो, एक पाव सुख दे दो। क्या सुख मिलेगा? अरे एक पाव छोड़ दो, एक तोला 10 लाख रुपया लो और एक तोला सुख दे दो। सोना खरीद सकते हो, हीरा खरीद सकते हो, गाड़ी खरीद सकते हो, खाने पीने की चीज खरीद सकते हो, मकान खरीद सकते हो, दुकान खरीद सकते हो, कपड़ा लत्ता खरीद सकते हो और चीज खरीद सकते हो। सुख खरीद पाओगे? सुख कहीं बाहर से मिलता है? सुख बाहर से मिलने वाली चीज होती तो आज तक सबके सब सुखी हो गए होते। सुख बाहर नहीं है, वस्तुओं में नहीं है, सुख है अच्छी समझ में। पर मन जितना निर्मल होता जाएगा, जीवन के विकार जितने घटते चले जाएंगे, सदो सचार जीवन जितना आता चला जाएगा, अपने आप सुख का अनुभव बढ़ता चला जाएगा। मन में यदि विकार है, मन में दोष है, मन में कलमश है, जीवन में बुराइयां हैं, दुष्कर्म है, कुछ भी हमें मिल जाए, कुछ भी हम बन जाए, सुखी नहीं हो सकते, सुख नहीं मिल सकता है। तो हर आदमी आनंद से जी रहना चाहता है, सुख चाहता है, प्रसन्नता चाहता है। साहब कहते हैं मैं बताता हूं बहुत सरल तरीका, कुछ लेना ना देना मगन रहना। तुम मगन रहना चाहते हो ना, रास्ता है क्या है? कुछ लेना मत किसी से और किसी को कुछ देना मत, बस सुखी रहोगे। आप कहोगे साहब यदि लेंगे नहीं देंगे नहीं तो व्यवहार कैसे चलेगा? देखो लेन देन का व्यवहार हुआ तभी सत्संग कार्यक्रम का आचरण हुआ। गाड़ी में बैठते हैं, कंडक्टर हमें टिकट देता है, हम पैसा देते हैं तब गाड़ी में बैठ पाते हैं। बाजार में जाते हैं, हम पैसा देते हैं, वहां से हमें सौदा मिलता है। तो लेन देन का व्यवहार है, लेन देन की जिंदगी है। लेन देन करना बंद कर दें तो जिंदगी चलेगी कैसे? तो कबीर साहब झूठ कहते हैं? झूठ नहीं कहते हैं। ठीक है व्यवहार में लेना देना पड़ता है, लेकिन यहां सुख की बात है, आनंद की बात है। साहब कहते हैं कुछ लेना मत और कुछ देना मत। बात यहां आई थी कि आदमी दुख देता है दूसरों को इसलिए दुख मिलता है। साहब कहते सुख से रखना चाहते हो, एक काम करना क्या है? कुछ लेना मत, कभी किसी की बुराई मत लेना, कुछ देना मत और कभी किसी को दुख मत देना। जीवन में सदैव आनंदित रहोगे। बस दो काम करना, कुछ लेना मत कुछ देना मत, किसी की बुराई लेना मत, किसी को दुख देना मत, जीवन में आनंद धारा अपने आप बहेगी। बहुत सरल काम, ये हर आदमी कर सकता है। किसी की बुराई मत लो, अच्छाई लो, किसी को दुख मत दो, सुख दो, बस अपने आप आनंदित रहेंगे। लेकिन ये समझ हमारी कहां होती है? ऐसा हम करते कहां है? हम किसी का अच्छाई ले पाए या ना ले पाए, बुराई जरूर ले लेते हैं। किसी को सुख दे पाए या ना दे पाए, दुख जरूर दे देते हैं। और जब कष्ट मिलता है तब कहते हैं क्या करें, हमारी तकदीर खराब है, भगवान ने हमारे साथ ऐसा अन्याय कर दिया, कर्म खराब है, ऐसा कोई नहीं कहता। सारी सुविधाएं आपको मिली हुई है। अभी सुन रहे थे पूर्व प्रवक्ता से, जिन जिन सम्मान ना कियो अकुर पाटन पाए, ऐसा सुंदर अवसर मिला है, सुंदर शरीर मिला है, स्वस्थ इंद्रियां मिली है, संत मिले हैं, सत्संग मिला है। इसको पाकर के भी यदि हमने शुभ संस्कारों का संग्रह नहीं किया, अच्छे कर्मों का संग्रह नहीं किया तो दोष किसका है? सुविधाएं सारी मिली हुई हमें, जरा सोचें, मनुष्य शरीर तो मिला है लेकिन जरा सोचें हमारी आंखें ना होती तो हम क्या करते? हम गूंगे होते, सुन ना पाते, बोल ना पाते तो क्या करते? जन्म से रोगी होते, अपाहिज होते तो क्या कर पाते?
क्या स्थिति होती, देखते नहीं। बहुत लोग जन्म से अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, अपाहिज हैं, हाथ पर नहीं है, कुष्ठ रोग से गलित होता शरीर हमारा, तो क्या होता। बुद्धि ठीक नहीं होती, पागल होते तो क्या होता। कई नाली के किनारे बैठ करके वहां का नाली पानी पीते, स्वस्थ शरीर मिला है, सारी इंद्रियां स्वस्थ हैं, बुद्धि स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, जो चीज चाहिए कल्याण करने के लिए, सुख से जीने के लिए, वो सब मिला है। बस एक चीज क्या नहीं है, समझ नहीं है हमारे पास। अब ये समझ कहते मिलेगी नहीं, स्वयं पैदा करनी पड़ेगी। हाँ, इसकी प्रेरणा मिलेगी संतों के सत्संग से। संत सुखी है तो किस लिए सुखी है? संत सुखी इसलिए सुखी नहीं है कि बहुत बढ़िया प्रवचन करते हैं, उनका बहुत बड़ा मठ बना हुआ है, या उनके लाखों शिष्य हैं। मठ बढ़ जाने से, शिष्य बढ़ जाने से कोई सुखी नहीं होता, भूल में ना रहिएगा। संत सुखी होते हैं अपने मन के विकारों को दूर करके, जीवन को परिमार्जित करके। वो हम भी कर सकते हैं। ये बहाना कि हम गृहस्थ हैं, गृहस्थी में रह करके जीवन के विकारों से मुक्त नहीं हो सकते, अपने आप के साथ ये धोखा देना है। जरा ये सोचे, कोई व्यक्ति आपके साथ दुर्व्यवहार करता है और आप ये कहते हैं कि आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते, तो कहते भाई मैं तो गृहस्थ हूं, ऐसा नहीं करूं तो जीवन कैसे चलेगा, आप स्वीकार करोगे? तो अपने लिए क्यों नहीं सोचते हैं ऐसा ही? तो अपने लिए सोचे। गृहस्थी के मतलब बुराइयों में, दोषों में, दुर्गुणों में डूबे रहना, दुर्व्यसनों में डूबे रहना, ये नहीं है। ये तो अपना बनाया दुर्भाग्य है।